Hello students, how are you? Today we are going to start second chapter of civics and name of the chapter is Pillars of Democracy. We have seen that democracy is considered the best form of the government. हमने देखा है कि democracy को best form माना जाता है government की. In this chapter, we will discuss those features of democracy which make it superior to all other forms of government. वो features discuss करेंगे जो इसे superior बनाते हैं सारी forms हैं जो government की उनमें से. These elements are the essential conditions for the successful working of a democratic government. जो ये elements इसमें हम discuss करेंगे इस chapter में वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सक्सेसफुल वर्किंग के लिए. एनलाइटर सिटीजन्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जागरूक नागरिक. वी नो दैट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल. हमें पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की विल यानी कि इच्छा. इट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है. In a democracy, changes are brought about by the collective will of the people and not by the use of force. Democracy में अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो लोगों को इकट्ठे रूप से किसी चीज़ के लिए मना के बदलाव लाया जाता है, forcefully बदलाव नहीं लाया जा सकता है. To make the right choices and to arrive at the right decisions, every citizen should be well informed and socially responsive. सही decision करने के लिए और सही चीज़ को चुनने के लिए हर citizen को हर चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो socially responsible होना चाहिए. It does not mean that they should be highly educated or possess university degrees. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए और उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज होनी चाहिए, बट दैट दे शुड बी एनलाइटन्ड इनफ टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. पर इसका मतलब ये है कि वो इतने जागरूक होने चाहिए कि वो एक सही डिसीजन ले सकें. दस पॉलिटिकल अवेयरनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलिटिकली अवेयर होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए. पॉलिटिकली एनलाइटन्ड सिटीजन्स विल बी एबल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. जो पॉलिटिकली एनलाइटन्ड होंगे सिटीजन्स सिर्फ वही जज कर पाएंगे किसको, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को. एंड मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वही सही चॉइस कर पाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बाय इवेल्युएटिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स. किसकी क्या खूबी है और किस में क्या प्रॉब्लम है उनको कंपेयर करते हुए सिर्फ पॉलिटिकली एनलाइटन सिटीजन्स ही सही डिसीजन सही चॉइस कर सकते हैं. सच वोटर्स विल नॉट बी ईजिली स्वेड बाय फॉल्स प्रोमिसज मेड बाय द कैंडिडेट्स और बाय देयर मनी और मसल पावर. अगर ऐसे वोटर्स होंगे तो उनको कोई ईजिली फॉल्स प्रोमिसज कोई पैसा दे के या फोर्स के साथ अपना वोट किसी और को देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. इसलिए सिटीजन्स का एनलाइटन्ड होना जागरूक होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है वाइज लीडरशिप. इन लार्ज कंट्रीज पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर देमसेल्व्स. बड़ी कंट्रीज़ में लोग सीधा शासन नहीं चला सकते हैं. दे इलेक्ट पॉलिटिकल लीडर्स टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द लेजिस्लेचर. वो पॉलिटिकल लीडर्स को चूज़ करते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इलेक्शंस डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस बाय फील्डिंग देयर कैंडिडेट्स. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स के साथ खड़ी होती हैं. द पार्टी लीडर्स एनलाइटन द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. जो पार्टी लीडर्स हैं वो लोगों को जागरूक करते हैं, वोटर्स को जागरूक करते हैं इलेक्शन के टाइम पे. एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन सेवरल पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड इन विच वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड.
इलेक्शन कैंपेन की तरह बहुत सारी पब्लिक मीटिंग की जाती है जिसमें अलग अलग इश्यूज और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है. दिस हेल्प्स पीपल टू मेक अप देयर माइंड अबाउट हुम टू वोट फॉर, जिससे लोग अपने दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हैं कि वो वोट किसको देना चाहते हैं. वंस इलेक्शंस आर ओवर, एक बार इलेक्शंस ख़त्म हो गए, द पार्टी विच गेट्स द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वो पार्टी जिसके पास मैक्सिमम वोट्स हैं वो गवर्नमेंट बना लेती है. इफ़ नन ऑफ द पार्टीज गेट अ मेजोरिटी, अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. अगर कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं, गठबंधन की सरकार बनाती हैं. दस इफ द वोटर्स आर एनलाइटेंड, इसलिए अगर वोटर्स जागरूक होंगे, दे विल ओनली इलेक्ट लीडर्स हु आर एफिशिएंट एंड कमिटेड, वो उन लीडर्स को चुनेंगे जो कि एफिशिएंट भी हैं और जो कमिटमेंट उन्होंने की है उसे पूरा भी करेंगे. इफ़ सच वाइज लीडर्स रन द गवर्नमेंट, अगर ऐसे समझदार लीडर्स गवर्नमेंट चलाएंगे, द कंट्री विल प्रोग्रेस इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक मैनर, तो कंट्री सच में प्रोग्रेस करेगी एक सही डेमोक्रेटिक तरीके से. नेक्स्ट है साउंड पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन एज अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेसीज. पब्लिक ओपिनियन, लोगों की क्या ओपिनियन है, ये एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है जो कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है. अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रांट्स पीपल द राइट टू फॉर्मुलेट साउंड पब्लिक ओपिनियन. जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये लोगों को हक देता है कि वो एक अच्छी पब्लिक ओपिनियन बनाएं एंड द राइट टू एक्सप्रेस इज प्रॉपरली, और इसे अच्छे ढंग से एक्सप्रेस भी करें. नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती है. इफ़ द गवर्नमेंट इग्नोर्स और सप्रेसेस पब्लिक ओपिनियन, पीपल कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. अगर गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करती है या उसे दबाती है तो लोग इसे हटा सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में. सो व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक ओपिनियन है क्या. द विशेज ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू और प्रॉब्लम मे बी डिस्क्राइब्ड एज पब्लिक ओपिनियन. ये पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोगों की जो इच्छा है किसी भी इशू को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन. इट मे नॉट बी द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल, ये जरूरी नहीं है कि सारे लोगों की सेम ही राय हो. इट जनरली इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग जिस तरफ होते हैं उसे पब्लिक ओपिनियन मान लिया जाता है. एट टाइम्स इवन अ माइनॉरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कई बार माइनॉरिटी भी एक ओपिनियन दे सकती है विच मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, जो कि पूरी कम्युनिटी के भलाई के लिए हो. एनलाइटन्ड सिटीजन्स लेड बाय वाइज लीडर्स कैन क्रिएट अ साउंड पब्लिक ओपिनियन, जागरूक नागरिक, अच्छे लीडर्स मिलके क्या बन सकता है, एक बहुत अच्छी पब्लिक ओपिनियन. देयर आर मैनी एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज हैं सच एज पोलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया, दैट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन. ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक ओपिनियन को, कौन सी, पोलिटिकल पार्टीज एंड मास मीडिया. इफ दीज एजेंसीज फंक्शन सेल्फलेसली, अगर ये एजेंसी निस्वार्थ होकर काम करें, द कंट्री विल हैव अ साउंड पब्लिक ओपिनियन, तो कंट्री का एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पब्लिक ओपिनियन होगा, विच इज़ सो इसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए. अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द पार्टी और ए कोलिशन ऑफ द पार्टीज दैट गेट्स द मैंडेट ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स और वोट्स. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक पार्टी के द्वारा या दो पार्टीज के गठबंधन के द्वारा, उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उन लोगों के द्वारा रन की जाती है जिनके पास मेजॉरिटी की सीट्स होती हैं या वोट्स होते हैं. व्हाट हैपन्स टू माइनॉरिटी देन, फिर जो माइनॉरिटी रह जाते हैं उनका क्या होता है. कैन दे बी इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड, क्या उनको इग्नोर कर देना चाहिए, निग्लेक्ट कर देना चाहिए. नो, इन अ डेमोक्रेसी एवरी ग्रुप हाउएवर स्मॉल इट मे बी, डेमोक्रेसी में हर ग्रुप कितना भी छोटा ना क्यों ना हो, मस्ट बी अलाउड टू
वॉइस इट्स ओपिनियन, अपनी ओपिनियन बोल के बता सकता है, जाहिर कर सकता है. टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस इम्पॉर्टेंट फीचर हैं डेमोक्रेसी के. लेट अस सपोज अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है हम मान लेते हैं, आफ्टर कमिंग टू पावर, सत्ता में आने के बाद डिसाइड्स टू कीप द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अंडर अरेस्ट इन ऑर्डर टू कीप देम अवे फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज. उनको अंडर अरेस्ट करवा लेते हैं, किस लिए, ताकि वो लोगों को उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ इकट्ठा ना कर सकें. कैन इट बी कॉल अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या इसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? नो, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ इंटॉलरेंस विच डिस्ट्रॉयज द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये इंटॉलरेंस है, गलत चीज़ है, और जो कि डेमोक्रेसी को टोटली ख़त्म कर देते हैं. जस्ट एज एन इंटॉलरेंट मेजॉरिटी कैन डैमेज द कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, सो ऑल्सो एन इंटॉलरेंट माइनॉरिटी कैन डू द सेम. जैसे कि एक इंटॉलरेंट मेजॉरिटी है, अगर वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अगर इंटॉलरेंट माइनॉरिटी भी होगी तो भी वो ऐसा ही कर सकती है. अननेसेसरी एजिटेशन, बंस, वायलेंट प्रोटेस्ट एटसेट्रा बिकम फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटी इंटॉलरेंस व्हेन दे क्रिपल पब्लिक लाइफ एंड क्रिएट रोड ब्लॉक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपल फ्रेंडली प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट. बिना मतलब की हड़तालें, बंद, दंगे आदि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी इंटॉलरेंस के रूप बन जाते हैं. जब वो सार्वजनिक जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं और सरकार के लोगों के अनुकूल चलाए जा रहे कार्यक्रमों के रास्ते में प्रॉब्लम्स, व्यवधान पैदा करते हैं. देयरफोर इट इज़ एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ द मेजॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटीज फ्रीडम टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन. इसलिए डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि मेजॉरिटी अपने हिसाब से काम कर सके और माइनॉरिटी अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके. ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. द लेटर ऑल्सो गिव्स द माइनॉरिटी द फ्रीडम टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. माइनॉरिटीज़ को ये भी हक है कि वो पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ के खिलाफ फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. टॉलरेंस इज अ वर्च्यू विच मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. टॉलरेंस, सहिष्णुता, एक ऐसी चीज़ है जिससे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है. इट इज़ नीडिड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, रिलीजियस बॉडीज एंड सोसाइटी एट लार्ज. इन सब में ये होनी बहुत ज़रूरी है. ऑल शुड रिस्पेक्ट द राइट्स एंड व्यू ऑफ अदर्स. एक दूसरे के राइट्स की और सोच की, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स टॉलरेंस. भारत को उसकी टॉलरेंस के लिए ही जाना जाता है. इट हैज़ वेलकम्ड डिफरेंट रेसेस, फेथ्स एंड आइडियाज ऑफ पीपल. यहाँ पे अलग अलग जातियों के, अलग अलग विश्वास के, अलग अलग ख्यालों के लोग हैं और इंडिया ने हमेशा उसका वेलकम किया है. इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स इट यूनिक अमंग वर्ल्ड नेशंस. इंडिया की जो यूनिटी है डाइवर्सिटी होने के बावजूद, वो उसे एक यूनिक नेशन बनाती है. डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री नीड टू बी पोलिटिकल अवेयर एंड डिसिप्लिन्ड. पोलिटिकली अवेयर होना चाहिए और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. वट डज डिसिप्लिन मीन हेयर, यहाँ पे डिसिप्लिन का क्या मतलब? फर्स्ट, इट मीन्स दैट द सिटीजन्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. पहला कि सिटीजन्स अपने राइट और ड्यूटी के प्रति अवेयर होंगे. दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स, वो अपने हक के लिए लड़ना चाहेंगे. एंड ऑल्सो बी इक्वली विलिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, वो अपने हकों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को भी पूरा करेंगे. सेकेंड, वायलेंस और यूज ऑफ फोर्स हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई रोल नहीं है. पर्सुएशन नॉट कोअर्शन इज द मेथड ऑफ सच अ गवर्नमेंट. पीपल शुड यूज पर्सुएशन टू ब्रिंग अबाउट चेंज. मनाना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, ये मेथड होना चाहिए गवर्नमेंट का
लोगों को मनाया जाना चाहिए कि ये चेंज आना चाहिए. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द सिटीजन्स आर डिसिप्लिन्ड. ये तभी पॉसिबल है अगर सिटीजन्स डिसिप्लिन्ड होंगे. थर्ड, फ्रीडम बीइंग द असेंस ऑफ डेमोक्रेसी. जो फ्रीडम है वो डेमोक्रेसी का असेंस है. डिसएग्रीमेंट्स आर अनअवॉइडेबल. जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो तो हो नहीं है, वो अनअवॉइडेबल हैं. पीपल शुड रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ अदर्स इवन इफ़ दोज व्यूज़ आर इन शार्प कंट्रास्ट विद देयर ओन. एक दूसरे के व्यूज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे वो एक दूसरे के बिल्कुल ही अगेंस्ट क्यों ना हो. दस, एनलाइटेंड टॉलरेंट एंड डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स आर एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. इसलिए एनलाइटेंड टॉलरेंट और डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स की ये तीनों क्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ आई एम फॉरवर्डिंग यू वन असाइनमेंट. प्लीज़ सॉल्व इट एंड सबमिट इट टू मी. ओके, टेक केयर.